नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं डीएनए। दोस्तों, मैं आज एक गुड न्यूज लेकर के आया हूँ इनकम टैक्स के तरफ से, जो कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं या अगर आपको पैन कार्ड बनवाना है तो यह न्यूज आपको जरूर देखना चाहिए। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आपको बताता हूँ कि ये गुड न्यूज क्या है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो हुआ है पैन कार्ड बनवाने को लेकर के। तो सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है, अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको पॉकेट पे थोड़ा बोझ कम हो गया है। और जो हुआ है मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिजिकल मोड में पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, जैसे कि आप पैन सेंटर में जा करके आप फॉर्म फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट्स लगा करके अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं और वो पैन कार्ड फिजिकल आपके घर पे आएगा, तो उसके लिए आपको 107 रुपया देना होगा। पहले 110 रुपया था। और अगर आप पैन कार्ड EKYC के थ्रू बनाना चाहते हैं, पेपरलेस के द्वारा बनाना चाहते हैं, मींस कि आप ऑनलाइन जाएं और अपना आधार का पूरा डिटेल्स डाल करके फॉर्म फिलअप कर दें और आधार में जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है उस पे वन टाइम पासवर्ड आएगा और उस वन टाइम पासवर्ड को वेरीफाई करके आप अगर पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको पेपर भेजने का ज़रूरत नहीं है और वो जो पैन कार्ड आएगा वो आपको फिजिकली घर पर आएगा। तो उसके लिए आपको 101 रुपया देने होंगे। और ये जो बनाने का जो नियम है, जो लिंक है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जा करके पैन कार्ड आप EKYC के थ्रू आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं। अगर आप ई पैन कार्ड बनाना चाहते हैं फिजिकल मोड में, आप किसी सेंटर पे जाएं, फॉर्म भरें और सारा डॉक्यूमेंट्स दें और वो पैन कार्ड आपके ईमेल आईडी पे आएगा, तो उसके लिए आपको देना होगा मात्र 72 रुपीज। मीन्स कि आपको फिजिकली घर पे पैन कार्ड नहीं आएगा, आपको केवल मेल पे 3 से 4 दिन के अंदर में आ जाएगा। बट आपको जो पेपर जमा करने होंगे वो फिजिकली मोड में जमा करने होंगे किसी सेंटर पे जा करके, तो उसके लिए आपको 72 रुपीज़ देना होगा। और अगर आप पेपरलेस बनाना चाहते हैं, वो भी घर बैठे बैठे, आप घर बैठे बैठे आप पेपरलेस बना सकते हैं पैन कार्ड, वो आपको ई पैन आपके 3-4 दिन में आपके मेल पे आ जाएगा। आपको पेपर कहीं नहीं भेजना है, आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा और आप वेरीफाई कर देंगे। तो आपको उसके लिए देना होगा 66 रुपीज़, जो कि बहुत ही कम है, 50% कम हो गया है अमाउंट। और वो आपका ई पैन कार्ड आएगा आपके मेल पे ही आएगा, आपका फिजिकल मोड में नहीं आएगा। अगर आपको फिजिकल मोड में बनवाना चाहते हैं ई पैन से फिजिकल मोड में, तो उसके लिए आपको फिर से दोबारा करेक्शन फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके लिए दोबारा पैसा देना होगा और सारा डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, तो दूसरा आपके घर पे बन के फिजिकल मोड में आ जाएगा। ये नियम इन्होंने चेंज किए हैं इनकम टैक्स के तरफ से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, प्लस हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।